हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z6 और स्कॉर्पियो एंड Z4 को, कि दोनों में से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन है, कितने वेरिएंट्स आते दोनों को, और दोनों में से लेने में किसको ज़्यादा फायदा है। बहुत लोग को इतना कन्फ्यूजन था कि 4x4 ऑप्शन किस में मिलेगा Z4 में, और ड्राइव मोड Z4 में तो मिलने वाला है जिप जैप जूम, पर आधे लोग को पता ही नहीं है कि मिलने भी वाला है Z4 में। उन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ Z6 मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि Z4 में 4x4 किस में मिलेगा, दोनों में से लेना किसको सही है, और Z4 में कितने ज़्यादा फीचर्स है या Z6 में ज़्यादा फीचर्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी कंफ्यूज है Z4 या Z6 में लेने में, और डिलीवरी कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, जो अभी बुक कराने को सोच रहे हैं, जो नॉन इंट्रोडक्टरी में बुक करा चुके हैं, तो वो ये वीडियो पूरा देखेगा, आपको A to Z डाउट क्लियर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो एंड के हम लोग Z4 में जाए तो हमको उसमें टोटल 5 वेरियंट देखने को मिलता है। एक आता है हमारा पेट्रोल मैनुअल, एक आता है पेट्रोल ऑटोमेटिक, एक डीजल मैनुअल, एक डीजल ऑटोमेटिक, और एक हमारा लास्ट आता है डीजल मैनुअल 4x4। आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि स्कॉर्पियो एंड Z4 का जो 4x4 ऑप्शन है वो मैनुअल वर्जन के साथ आएगा, ना कि ऑटोमेटिक वर्जन के साथ। तो टोटल 5 वेरिएंट हो गए। और Z4 में जिप जैप जूम मोड हमको देखने को मिलता है, जो कि Z6 में भी हमको देखने को मिलता है, पर वो मिलता है हमको सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक में। अब मैं सबकी प्राइस आपको बता देता हूँ। स्कॉर्पियो एंड Z4 का जो बेसिक मॉडल है पेट्रोल मैनुअल का, वो 13.49, मतलब 13.5 लाख रुपये एफ शोरूम है। उसके बाद जो डीजल मैनुअल का प्राइस है वो आपको 14.99 लाख, मतलब कि आपको वो 15 लाख रुपए एक्स शोरूम का पड़ने वाला है। फिर डीजल ऑटोमेटिक की जब हमारी बात आ जाती है स्कॉर्पियो एंड Z4 में, तो 15.95, मतलब कि 16 लाख रुपए का पड़ने वाला है। और जो 4x4 का ऑप्शन आता है हमारे यहाँ Z4 में, वो 16.44, मतलब 16.5 लाख रुपए का हमको एक्स शोरूम 4x4 मिलेगा, वो भी अपने को मैनुअल मिलेगा। आपको यहाँ मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ फोटो में कि 4x4 कुछ ऐसा रहने वाला, यहाँ लीवर नहीं दिया, यहाँ पे गोल सा स्विच टाइप का दिया जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी थार में आपको लीवर देखने को मिलते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा Z4 के वेरिएंट कितने आते हैं, प्राइस कितनी होती है, 4x4 किस में मिलता है, और जिप जैप जूम किस में मिलता है। आप रिवाइज करके एक और बार उसको देख सकते हैं। इतना याद रखना, आपको जिप जैप जूम मोड ओनली डीजल ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस है 15.95 लाख। यहाँ पर कुछ इसका ऐसा इंटीरियर रहने वाला है। आपको जो MID मिलने वाली है Z4 वेरिएंट में, वो आपको 10 इंच की ही मिलेगी, और बाकी हमारा जो Z6 वेरिएंट रहेगा उसमें आपको टॉप मॉडल वाली MID देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम और अच्छी लुक देगी। बाकी आपको Z4 के इंटीरियर में बेसिक सी चीज़ें देखने को मिलेगी, फैब्रिक सीट देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं Z6 की, तो Z6 में भी हमको फैब्रिक ही सीट देखने को मिलेगी, कोई भी लेदर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इंटीरियर दोनों ही गाड़ी का डिक्टो सेम होने वाला है, बस आपको MID में फ़र्क आएगा। बाकी जो टच स्क्रीन रहने वाली है वो आपको उतने ही साइज की देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें कि हमको Z6 वेरिएंट हो लो या Z4 वेरिएंट लो, दोनों में ही आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। तो फर्क इतना आता है कि आपको दोनों में से किसको कंसिडर करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। एकदम मेजर का फैक्टर है, आपका ज़्यादा पैसा बचना चाहिए। तो स्कॉर्पियो एंड Z6 लो या Z4 लो, दोनों में ही आपको अलॉय व्हील तो देखने को नहीं मिलेंगे, बस सनरूफ का फर्क आता है, हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अब हम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और स्कॉर्पियो एंड Z6 का मैं वेरिएंट बता दूं तो स्कॉर्पियो एंड Z6 में ओनली 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और कोई भी 4x4 का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। आप ये चीज़ का जरूर याद रखिएगा, 4x4 का ऑप्शन आपको Z4 से चालू होता है, Z6 में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, चाहे आप मैनुअल ले लो या ऑटोमेटिक ले लो, और उसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन नहीं है अपने को Z6 में। सिंपल सा 2 ही वेरिएंट है, कोई तामझाम नहीं है, या तो आप मैनुअल में ले लो Z6 को, या ऑटोमेटिक में ले लो Z6 को। और जीप जैप मोड आपको Z6 में मिलने वाला है, और सनरूफ भी आपको मिलने ही वाला है, चाहे आप मैनुअल ही वर्जन क्यों ना ले लो। और बाकी जीप जैप मोड का तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो Z6 ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, मैनुअल में शायद नहीं मिल सकता, पर मे बी चांसेस है कि मैनुअल में भी देखने को मिले, बट सनरूफ आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। अब सेफ्टी फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। और Z6 के मैनुअल वर्जन की जो प्राइस चालू होती है वो आपको 15 लाख रुपीस एक्स शोरूम से चालू हो जाती है, और जो Z6 की प्राइस चालू होती है Z6 ऑटोमेटिक की 16.95 लाख, यानी कि 17 लाख रुपए एक्स शोरूम से चालू होती है। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं, तो अपने को दोनों में ही फैब्रिक सीट देखने को मिलती है,
पर जो MIT है वो अपने को Z6 में बड़ी देखने को मिलेगी और Z4 में छोटी देखने को मिलेगी। और वायरलेस जो एप्पल ऑटो एंड्रॉयड एप्पल एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो आपको Z6 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। बाकी आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड में Z4 में देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और क्रूज कंट्रोल हो गया और ऑडियो का जो हो गया स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, वो आपको दोनों ही वेरियंट में देखने को मिलने वाला है। और स्पीकर की मैं बात करूँ तो आपको 12 स्पीकर का सेटअप बस टॉप एंड मॉडल में देखने को मिलेगा। इसमें आपको 8-8 स्पीकर का सेटअप देखने को ही मिलेगा, जिसमें से 6 स्पीकर होंगे, बाकी 2 सब वूफर लगे होंगे या मे बी 6 हो सकता है। तो आपको 12 स्पीकर इसमें उम्मीद मत रखिएगा, ताकि ये बेसिक मॉडल है। और सनरूफ आपको सिर्फ Z6 वेरियंट में ही देखने को मिलेगा, Z4 वेरियंट में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो टच स्क्रीन रहने वाली है वो आपको सेम ही रहने वाली है। बाकी सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको दोनों वेरियंट में ही देखने को मिलेगा। बस एक चीज का फर्क आएगा, वो है ई कॉल एंड सॉस स्विच, वो आपको बस Z6 वेरिएंट और उसके अपर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। जिसको नहीं पता ये क्या होता है, तो ये इमरजेंसी कॉलिंग के लिए एक स्विच दिया जाएगा, जिसको प्रेस करने से आपकी ऑटोमेटिक कॉलिंग चले जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि आप किसी मुसीबत में हो, इस टाइप से कुछ रहता है। तो बाकी आपको सेफ्टी में दोनों में ही सेम फीचर देखने को मिलेंगे। और अब सीट ऑप्शन की हम बात कर ले तो आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन दोनों में ही देखने को नहीं मिलेगा, आपको फोल्डेबल सीट में देखने को मिलेगा, जो कि Z4 ले लो Z6 ले लो आपको स्प्लिट सीट ही देखने को मिलेगा। और जो पावर सीट मिलने वाली है आपको दोनों में ही नहीं मिलेगी, आपको सिंपल ही सीट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जो आपको रूफ रिल देखने को मिलने वाली है वो आपको Z4 में ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगी और Z6 वेरियंट में सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगी। और कोई भी LED प्रोजेक्टर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, आपको सिंपल से हैलोजन मिलेगी। फॉग लाइट भी आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्टील व्हील, आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑटोमेटिक ले लो, मैनुअल ले लो, कुछ भी ले लो, आपको Z6 और Z4 दोनों में ही आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे, जो कि 17 इंचेस के रहेंगे, जिसका टायर साइज 245x65 रहने वाला है। तो आपको टायर ठीक ठाक चौड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको 18 इंचेस के टायर वो Z8 मॉडल में ही देखने को मिलेंगे विथ अलॉय के साथ। तो Z4 और Z6 में इतना ही था। तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट निकल के आता है, अगर आपको सनरूफ का नीड नहीं है तो आप Z4 के डीजल ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसके प्राइस आपको ठीक ठाक देखने को पड़ सकती है। तो अब हम कंपेयर करते हैं हमको किसको प्रीफर करना चाहिए। उससे पहले वीडियो पे अभी तक है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। तो स्कॉर्पियो एंड Z6 का डीजल वेरिएंट आप लेने जाएंगे तो वो आपको 16.95 लाख रुपीज़ पड़ेगा, और Z4 का डीजल ऑटोमेटिक लेने जाएंगे तो वो आपको 15.95 रुपीज़ पड़ेगा। दोनों ही ऑटोमेटिक के साथ आएगी, पर आपको 1 लाख रुपये का फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सनरूफ का नीड नहीं है तो आप Z4 को ऑटोमेटिक की तरफ आराम से जा सकते हैं, ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट निकल के बनता है। और अगर आप Z6 में जाएंगे तो आपको सनरूफ का नीड है तो आप उसको मैनुअल की तरफ जा सकते हैं, मे बी उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाए आने वाले टाइम के साथ। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ, तो लाइक तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।